नमस्कार, चराहट के हिंदी में आपका स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में आपको बताते हैं कि घर पर कैसे आप अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। यदि आप इस समय पर बाहर नहीं जा सकते, गंगा नदी या कोई अन्य नदी में नहीं जा सकते, तो आप घर पर ही अपने पितरों का श्राद्ध किस प्रकार से करें, उसकी सही और संपूर्ण पूजन विधि आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या सामग्री लगेगी। पितरों को श्राद्ध देने के लिए पितृपक्ष प्रारंभ 20 सितंबर से हो चुके हैं। आइए जानते हैं घर पर पितरों का श्राद्ध करने का सरल क्या तरीका है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का स्थान अति महत्वपूर्ण होता है। पितृपक्ष में हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों और पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध कर्म में पिंडदान करते हैं। इससे उनके पितर अति प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितरों के आशीर्वाद से घर परिवार में धन दौलत, सुख सुविधा, मान सम्मान और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। पितृपक्ष कब से आरंभ हो रहा है? पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से आरंभ हो जाता है और अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक रहता है। इस साल में भादो मास की पूर्णिमा 20 सितंबर से शुरू हो चुका है। इसी दिन पितृपक्ष शुरू हो चुका है और इसका समापन 6 अक्टूबर 2021 को होगा। पितृपक्ष की पहली श्राद्ध 20 सितंबर को और अंतिम श्राद्ध 6 अक्टूबर को किया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि घर पर कैसे श्राद्ध कर सकते हैं। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने और तर्पण देने का विशेष महत्व होता है। पितरों का तर्पण करने का मतलब उन्हें जल देना। इसके लिए प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर तर्पण की सामग्री लेकर दक्षिण की ओर मुंह करके बैठ जाएं। अब सबसे पहले अपने हाथ में कुश, जल, अक्षत, पुष्प, तिल लेकर दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करें। इस दौरान आप इस मंत्र का भी जाप करें। ओम आगच्छन्तु मे पितृ और ग्रहन्तु जलान जलिम का जप करें। अब उस पे पितरों का नाम लेते हुए पृथ्वी पर गिरा दें। इस तरह 5, 7 या 11 बार अंजलि दें। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। जिस तिथि को आपके पितरों की मृत्यु हुई हो, उस तिथि को उनके नाम से अपनी श्रद्धा और यथाशक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन जरूर करवाएं। भोजन कौवे और कुत्तों को भी खिलाएं। आपको पूजन सामग्री के लिए इन चीज़ों को इकट्ठा करना होगा। श्राद्ध करने के लिए आपको रोली, सिंदूर, छोटी सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, माचिस, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, पान का पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, हल्दी का दिया, रुई बत्ती, अगरबत्ती, जौ का आटा, गंगाजल, खजूर, केला, सफ़ेद फूल, उड़द, गाय का दूध, घी, खीर, स्वाक के चावल, मूँग, गन्ना, जरूरत हो तो इसके लिए इसे पितृपक्ष से पहले ही एकत्रित कर लेना चाहिए। यदि आप घर पे अपने तर्पण करना चाहते हैं तो इस सभी सामग्री इकट्ठी कर लें और जिस प्रकार हमने बताया इस प्रकार से आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।